कोई व्यक्ति किसी कारणवश मुक्ति ना हो पाए पाप करके, देखो पाप सब करते हैं, कोई जानकर कोई अनजाने में, ऐसा धरती पर कोई नहीं, हम भी ऐसे नहीं हैं कि हमने पाप ना किया हो। इस धरती पर सब लोग पाप करते हैं, है ना। सूर्य भगवान हमें प्रकाश देते हैं, जैसे हम बिजली जलाते हैं ना तो बिल देना पड़ता है, यदि आपने समय पर बिल नहीं दिया तो जुर्माना भी देना पड़ता है, क्यों जी। जैसे बिजली का बिल, पानी का बिल, घर का बिल और सारी चीजों का बिल, बिना पैसे के आजकल कुछ भी नहीं, रोटी आप खा रहे हैं वो भी खर्चे से आपको मिलती है, आपने कपड़े पहन रखे हैं ये भी पैसे से आपको मिले हैं। जैसे संसार में हम सब चीज का मूल्य चुकाते हैं, चुकाते हैं कि नहीं। आपने चश्मा लगा रखा है उसका भी आपने मूल्य दिया होगा, है ना। आपने सफेद बाल हो गए हैं उसे काला करना है तो उसका भी मूल्य देना पड़ता है, जूते हैं तो मूल्य देना पड़ेगा, मतलब हर चीज का मूल्य देना पड़ता है आपको संसार में। उसी प्रकार हम जीवन को पाए हैं, जीवन ईश्वर ने हमें दिया है, इस जीवन को प्राप्त करने के बाद हमने ईश्वर को कौन सा मूल्य चुकाया, मूल्य नहीं चुकाए। इसलिए जाने अनजाने में हमारे द्वारा कोई पाप हो जाए, ईश्वर ने यह शरीर पाप करने के लिए दिया नहीं था आपको, पर ना चाह कर हो गए पाप, हम सब से कोई ना कोई पाप, चींटी मर जाए वो भी एक पाप है, जान कर मर जाए तो पाप है, धोखे से मर जाए तो पाप नहीं है, है ना। जैसे हम रास्ते से चलते हैं ना चींटियां मर जाती हैं, हमने देखा नहीं और चींटी मर गई, वो पाप ना लगेगा हमें, हाँ हमने देख लिया था और जानबूझकर पांव रखा चींटियों के ऊपर तो पाप लगे, क्योंकि जान कर किया आप। किसान खेत में इल्ली मारने के लिए कीटनाशक का छिड़काव करता है, उसकी इच्छा नहीं होती कि वो इतनी सारी हत्या करे, लेकिन मजबूरन उसे कीटनाशक का प्रयोग करना पड़ता है, तो उसे पाप ना लगेगा। अच्छा, वो जो पाप लग रहा है सामान्य पाप, वो पापों से मुक्ति जो छोटे मोटे पाप हैं जो मजबूरन करने पड़ेंगे, उनके बिना गुजारा नहीं है। हम लोग शहद खाते हैं, शहद तोड़ने में मधुमक्खी मर जाती है, छत्ता तोड़ने में। आप नया घर बनाते हैं, चलो बनाते नया घर, जब नया घर बनाते हो जमीन की खुदाई करते हैं तो ध्यान से देखा आपने, बहुत सारी चींटियां, बहुत सारे चींटियों का, चींटों का वहां पर स्थान बन जाता है, फिर अपन लोग घर बनाते हैं खोदते हैं तो वो वहां से कई मर जाते हैं, कई भागते हैं, तो उनका भी तो घर अपन ने उजाड़ दिया ना, तो वो पाप नहीं लगेगा अपने को। ये जान कर भैया क्या करो, करना पड़ेगा। ये जाने अनजाने में जो हमसे पाप होते हैं, इन पापों के प्रायश्चित के लिए हमें भागवत सुनना चाहिए।